हेलो एवरीवन। सो कंपनी है डीएलएफ लिमिटेड, मंथली चार्ट लगा हुआ है। सो आज हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जो पैटर्न बन रहा है इस टाइम पे, और किस टाइप का पैटर्न बन रहा है, क्या ब्रेकआउट आ पाएगा, अगर आएगा तो किस पॉइंट से आएगा, कहाँ तक कैंडल्स और जा सकती हैं। तो पहले क्या है कि इसमें जो पैटर्न फिलहाल बन रहा है, राइट हैंड साइड पर अगर हम देखेंगे तो काफ़ी लंबे समय से कैंडल्स लगातार एक अपने अप ट्रेंड में चल रही हैं। तकरीबन एक साल हो चुका है, एक साल में कैंडल्स ने 400 रुपये के आसपास से ब्रेकआउट दे के 900 रुपये का लेवल अचीव किया है, ठीक है। अब वहाँ पे जाके कैंडल्स लगातार एक साइडवेज मूवमेंट परफॉर्म कर रही है पिछले 3 महीने से कुछ इस पॉइंट पर, ठीक है। अब ऊपर है क्या कि इसके जस्ट ऊपर इसका एक ऑल टाइम हाइक भी है, यहाँ पे तकरीबन 1230 रुपये के आसपास कह सकते हैं कुछ इस पॉइंट पर। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो नॉर्मली अपना पैटर्न बन जाएगा कप पर 100+ ATH वाला पैटर्न। अगर इसका ब्रेकआउट का टाइम देखा जाए तो 2008 में हाई बना था, अगर वो ब्रेकआउट 2024 में देता है तो ओवरऑल 15-16 साल के आसपास का ब्रेकआउट अपने को देखने को मिलेगा। अब हुआ क्या है कि यहाँ पे मूवमेंट तो काफ़ी रैपिड था, तो हो सकता है कि ये पोल एंड फ्लैग वाला फॉर्मेशन करता हुआ चल रहा हो। अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि आने जो पॉइंट बन रहा है, यानी कि 3 महीने से कैंडल कंसोलिडेट कर रही है, हो सकता है कि उस पॉइंट का ब्रेकआउट देके कैंडल ऊपर निकलने को ट्राई करे। बट इसमें एक चीज़ और भी है कि अभी इसको छूना बेकार है, जब तक ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक ना कर दे, जब तक कुछ होना बेकार ही रहेगा, तो वेट करना पड़ेगा अपने को 1230 क्लोज होने का, यानी कि 1230 के ऊपर प्राइस क्लोज दे, अच्छे वॉल्यूम के साथ में प्राइस सस्टेन करे, तो वहाँ से शायद हो सकता है कि मूवमेंट अच्छा मिलता हुआ फ्यूचर में दिखे। सो वेट करते हैं अपने इस पॉइंट का जो 1230 बना हुआ है, ये लेवल कैंडल्स ब्रेक करें और आगे के लिए निकलते हुए दिखें। सो दिस फॉर एजुकेशन पर्पज ऑनली। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।